waking up at noon. तो 130 का कॉम्बो था, हमने ऑर्डर करा और बिल मिला 350 का. तो आप पूछोगे कैसे? तो मंडे एटलीस्ट 200 की कैपेसिटी में आप पूरा फिलअप कर लोगे, टमी की गारंटी है. ब्रेक लग रहे हैं आपके, ब्रेक लग रहे हैं तो टायर फंसी चल रहा है आपका. ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आप देख रहे हैं ब्राउन रश. अभी हम खड़े हैं ताज सिटी सेंटर गुड़गांव में. तो यश राठी भाई आए थे, स्विगी का इवेंट था, तो वो हमारे कॉलेज के पास आउट भी थे और हम भी पास आउट सेम कॉलेज के ही हैं. तो उनसे मिले भी यार, इवेंट काफ़ी औसम था, काफ़ी मज़ा आया, फन था. और हम यहाँ पहुँचे होटल पे लेट थे, लेट पहुँचने के बाद वो भी लेट, शो भी स्टार्ट लेट ही हुआ था. तो उसके बाद मिले और बातचीत भी हुई, काफ़ी मज़ा आया. और अभी भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो देखते हैं कुछ बाहर मिलता है खाने को, तो खा के फिर घर निकलते हैं. So what you doing tonight? वो इस गोल गप्पे खा रहे हैं. वो मत से गोलगप्पे खाने के बाद बहुत थक गया था, तो घर आकर पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई. और अभी बैंडीज में बैठकर आपको मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो मेरा नाम अवनीश है और लाइक मैं अभी बेसिकली गुड़गांव में शिफ्ट हुआ हूँ, आया हूँ पंजाब से. पंजाब में रहता था और गुड़गांव में शिफ्ट हुआ हूँ. और बेसिकली अभी कुछ कर नहीं रहा, काम धंधा बंद है. तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार ब्लॉगिंग करें. एक छोटी सी फैमिली बनाई जाए यूट्यूब पे, पर वो डर सा बैठा था अंदर कि नहीं हो पाएगा. बट वो स्टेप मैंने आज ले लिया है, तो फाइनली मैं ब्लॉग बना रहा हूँ. तो मिलते हैं, अभी प्लान कुछ नहीं है, प्लान है दिल्ली का. तो दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जाते हैं, मिलते हैं आपको दिल्ली में. तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं कितना शर्मा और घबरा रहा हूं, तो ये घबराहट भी नया नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है उसी का है. तो कोशिश पूरी रहेगी कि इसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए. तो अभी हम निकल रहे हैं नेहरू प्लेस मार्केट के लिए और अभी यहां से मेट्रो पकड़ेंगे और मेट्रो पकड़ने के बाद आपको मिलेंगे नेहरू प्लेस मार्केट में. दोस्तों, ये है नेहरू प्लेस मार्केट, जहाँ पे मिलता है सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान. और ये जो जगह है खाने के लिए भी काफ़ी मशहूर है. तो हम आए थे अपना ज़रूरी सामान ढूंढने, बट वो मिला नहीं क्योंकि हम पहुँचे थे मार्केट संडे के दिन. तो काफ़ी मार्केट में घूमने के बाद वो सामान ना मिलने के कारण हमें लग गई बहुत तेज़ भूख. तो हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए. तो हमें एक अंकल दिखे जो बेच रहे थे दही बल्ले. तो हमने सोचा कि क्यों ना ट्राई करा जाए. तो हमने जाके टेस्ट करा तो दही बल्ले काफ़ी अच्छे थे. तो दोस्तों, जिस काम के लिए आए थे वो तो अभी हुआ नहीं है, बट अभी दही बल्ले खा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ और प्लान बनते हैं और अभी कुछ और भी खाएंगे, फिर आगे चलते हैं. वो तो कर ही रहा है, वो तो मेरे को भी पता. शांत रहो, ज़्यादा नहीं बोलेगा भाई. दही भल्ले खाते ही लग गई बहुत तेज भूख. तो हम पहुंच गए न्यू पंजाबी ढाबा. तो भाई यहाँ अलग ही सीन था, इनके बीच में चली थी लड़ाई. यही है कि मेरी दुकान को एटलीस्ट 37 ईयर्स हो गए और थर्ड जनरेशन फैमिली की जो वर्क कर रही है. और यही है कि बहुत नॉर्मल रेट्स हैं हमारे, ज़्यादा हाई फाई रेट्स हैं. आप दो बंदे एटलीस्ट 200 की कैपेसिटी में आप पूरा फिलअप कर लोगे, टमी की गारंटी है. और नेहरू प्लेस पर जैसे एंट्री करते हो आप, सत्यम सिनेमा की बैक साइड से, उसके बस बैक में ही है, ज़्यादा मतलब दूर भी नहीं आना पड़ेगा. आप जैसे सत्यम सिनेमा पहुँचते हैं उसके जस्ट बैक साइड में. अभी तो वैसे जैसे प्लेटर चल रहा है जो आजकल ट्रेंडिंग में है, और उसके अलावा वैसे शाही पनीर चावल है,
और बाकी बहुत सारे मेन कॉम्बोज है जिसमें आप दिखा सकते हैं यहाँ से। तो जैसे कि आपको बताया कि हम ट्राई कर रहे हैं शाही पनीर विद राइस, और जैसे कि आप देख सकते हैं पनीर यहाँ का पनीर जो अभी तोड़ दिया हमने, ब्रेक कर दिया पनीर का पीस देते हैं, वो बहुत ही बड़ा देते हैं, बिग साइज में होता है और अभी इसको तोड़ दिया। और पनीर आप देखेंगे तो बहुत ही आपको सॉफ्ट रहेगा और जिसका ग्रेवी का टेक्सचर है बहुत ही यूनिक है और बहुत ही डिलीशियस है। और इस अगर आप आते हैं नेहरू प्लेस में तो अगर आपको कुछ अच्छा खाना है तो ये प्लेस आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। न्यू पंजाबी ढाबा आप जैसे कि देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने खाना खा लिया है न्यू पंजाबी ढाबा से और अभी ओनर से भी मिले थे, ओनर काफ़ी स्वीट थे, उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताया कि कब से स्टार्ट करा था और कब से चालू है, क्या क्या मिलता है, कितना प्राइस है, आराम से खा सकते हो, सस्ता है। तो अभी हम निकल रहे हैं राजीव चौक के लिए, यहाँ से नेहरू प्लेस छोड़ रहे हैं और राजीव मेट्रो स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या प्लान बनते हैं, फिर चलते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम राजीव चौक से मालवीय नगर आए हैं और यहाँ पास में ही एक मॉल है जहाँ पे टिम हॉर्टन्स खुला है जो कि कोठी बंगले वालों के लिए है, वो वहाँ पे जा रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। एक कनाडा का ब्रांड है जो कि काफ़ी फेमस है और यहाँ पे खुला है दिल्ली NCR में। तो काफ़ी लोग जा रहे थे, हम भी सोचा हम भी ट्राई करें, हम क्यों नहीं जा सकते, क्यों भाई क्यों नहीं जा सकते। तो गाइस हमारे पास भी 1 BHK है, वो भी रेंट पे, तो हम भी जाके देखते हैं कि क्या है वो टिम हॉर्टन्स, जाके पता लगेगा, तो चलते हैं दोस्तों। तो गाइस अभी ऑटो में बैठ के बाहर आके मेट्रो स्टेशन से, तो अभी जा रहे हैं फ्लेक्स सिटी बॉक्स। भाई साहब इतना जाम, ये डेली रहता है इतना जाम? नहीं नहीं आज लगा लिया। ब्रेक, ब्रेक लग रहे हैं आपके, ब्रेक लग रहे हैं, ब्रेक लग रहे हैं, तो टायर फंस के चल रहा आपका। आज संडे है ना? अच्छा संडे है इसलिए। हाँ मॉल ये साल लगता है ऑटो वाले की वजह। अच्छा ये सारा जो ऑटो जाते सारे मॉल के निकलते हैं, अनऑथराइज जो ऑटो है वो जूटन वूटन लेते हैं उससे जाम लगता है। गाड़ी आप लगा रहे ऑटो, उसको कितना टाइम लगता है चार्ज होने में? 3 घंटे। मतलब आप रात को ही करते हो फिर तो चार्ज रात को अभी पूरा? एक्चुअली स्टेशन लगे पड़े हैं, हम मोस्टली दिन में करते हैं। दिन में? और जब घर जाते हैं तो रात को करते हैं। अच्छा, मतलब एक दिन में मतलब एक चार्ज पे चल जाता है कि आपको दोबारा लगाना पड़ता है? नहीं दोबारा लगाना पड़ता है, एक चार्ज में चलता है 120 और हम 100 लेके चलते हैं। ये है लेडीज ऑटो, वो जो पिंक वाला जा रहा है वो लेडीज ऑटो है, सिर्फ लेडीज बैठेगी उसमें। लेडीज ड्राइव कर रही है लेडीज, अच्छा उसमें कोई भी बैठ सकता है? बैठ भी सकता है पैसेंजर, बट लेडीज ड्राइव करेगी। पर उसका तो टाइम पीरियड होगा, कितने तक चलाएगी लेडीज रात के? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रात को चला सकती है, रात को कितने बजे तक भी चला सकती है। तो दोस्तों ऑटो वाले भैया से बात करते करते पता नहीं चला कि कब हम पहुंच गए सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में। तो मॉल से उतरते बाहर हमें दिखी काफ़ी सारे इवेंट्स, काफ़ी इवेंट बाहर ही चल रहे थे और हमारे पास पास नहीं था तो हम अंदर नहीं गए, तो हम सीधा गए टिम हॉर्टन्स। तो टिम हॉर्टन्स जैसे ही पहुंचे तो भीड़ काफ़ी थी, तो उस भीड़ से हम सोचे कि कैसे जल्दी से कॉफ़ी लिया जाए, बट कोई वहाँ पे शॉर्टकट है नहीं कॉफ़ी लेने का, तो हमें लगना पड़ा लाइन में। तो लाइन में लगने के बाद काफ़ी मशक्कत के बाद हमने ऑर्डर करी अपनी कॉफ़ी। दैन कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद फिर टेबल के लिए लड़ाई, यहाँ पे टेबल भी खाली नहीं थी, तो हमने टेबल जैसे ही फ्री हुई हम बैठे और हमने कॉफ़ी को पिया। अभी टिम हॉर्टन्स से निकल चुके हैं बाहर और पीछे चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो अभी टाइम नहीं हमारे पास, तो अभी घर जा रहे हैं, तो मेट्रो में मिलते हैं। ठीक ठाक ही था यार, वैसे कुछ ज़्यादा हाई बना रखी थी पता नहीं क्यों, बट उसके बाद बाहर निकलते ही हमारे पास था देखने को इंडिया पाकिस्तान का मैच, बट टाइम ना होने के कारण हम जा रहे हैं अभी घर और आपको एक मोमेंट शेयर करता हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच। बिल्कुल थक गया हूँ मैं अब, तो मतलब काफ़ी घूमा है खाया पिया है, तो अब घर जाके
थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो आज के दिन को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे मिलते हैं। काट नहीं रहा, फाइनल दूंगा तुझे, फाइनल देगा मुझे। तो गाइस हम उतर चुके हैं मालवीय नगर में और कुछ वॉक डिस्टेंस ना, नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। प्लीज सब कराए, आई वांट टू रीच 1 मिलियन।